हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल द ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश। फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, आप बहुत सफल होंगे। इस सेंटेंस के साथ आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक नया चैप्टर, नया पार्ट लेकर के उपस्थित हैं, जो कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है। लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे, इस सेशन को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे प्रत्येक बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। लेट्स बिगिन टुडेज वेस्ट सेशन। इम्पैरेटिव सेंटेंस, लेट वाले सेंटेंस, तो लेट वाले सेंटेंस को भी हम दो खंडों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा, हम पार्ट ए ले रहे हैं, पार्ट ए बना दे रहा है इसका। लेट वाले में पार्ट ए से मतलब है जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किससे शुरू हो, लेट अस से, लेट अस या लेट्स, लेट अस या लेट्स से शुरू हो हमारा सेंटेंस, तब हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब से को सजेस्ट या प्रपोज में बदल देते हैं। सेज को सजेस्ट्स या प्रपोज में बदल देते हैं। सेड टू को या सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। और एक विशेष ध्यान रखेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट दिया जाए, अर्थात रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया जाए, तो उससे पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग अवश्य करेंगे। जैसे सेड टू दिया है तो सेड को बदलेंगे प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में, जबकि टू को हम नहीं हटाएंगे, टू को यहाँ पर नहीं हटाया जाता है। कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। लेट अस या लेट्स को हटा करके सेंस के अकॉर्डिंग, भाव के अनुसार बी शुड या दे शुड में बदल देते हैं। फिर शुड के बाद बी वन अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस नियम के अनुसार हम इस सेंटेंस को बदलेंगे। देखिए किस तरह से चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल हम अच्छे से समझ पाएंगे। He said to me, let us go to our school. Sentence दिया है, He said to me, Let us go to our school. Dear friends, हमारा सेंटेंस किससे प्रारंभ है, लेट अस से प्रारंभ है। तो वही लिखा है, जब लेट अस या लेट्स से हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस शुरू हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, सेड को किस में बदलेंगे, प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड में, इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका हम। ही प्रपोज्ड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास्ट में है, तो यहाँ भी हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। अब देखिए, अब तक हम जो करते आए थे, खास तौर से जनरल हम सेंस बताएं, रूल वूल हम नहीं लेके खास चलते हैं, हमें केवल समझना होता है। सेड टू को बदला जाता था अब तक, अब केवल हम सेड को बदलना है, टू को नहीं बदलना है, अर्थात टू को यथा स्थान रहने देना है। तो प्रपोज टू ऑब्जेक्ट हमारा दिया है,
क्योंकि जब ऑब्जेक्ट दिया होता है, रिपोर्ट को ऑब्जेक्ट दिया होता है, तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हम अवश्य करते हैं, श्योर एंड सर्टन करते हैं। अगर आप नहीं करेंगे, गलत मतलब औरों की तरह से इसे हटा देंगे, तो पीछे हमने सेंटेंस पढ़े थे, इम्पेरेटिव पढ़े या कहना चाहिए इंटरोगेटिव पढ़े, तो वहाँ क्या करते थे, अक्सर हम टू को विलुप्त कर देते थे। लेकिन जब सजेशन का भाव प्रकट हो, प्रस्ताव का भाव प्रकट हो सेंट दिए गए सेंटेंस से, तो ऐसी स्थिति में हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग रहने देंगे, इसे हम नहीं हटाएंगे। ओके, कॉमा एंड कॉमा के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए बात आती है, लेट्स और लेट्स को हटा देते हैं, लेट्स और लेट्स को हटा देते हैं, बल्कि इसके स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं हम, बी शुड या दे शुड। अब बी शुड का प्रयोग कब करेंगे और दे शुड का प्रयोग कब करेंगे, ये भी समझना है। ही सेड टू बी, अब लेट्स को बी शुड बदलेंगे या दे शुड में, तो यहां हम बदलेंगे वी शुड में। अभी हम बताएंगे क्यों बदलेंगे, वी शुड। अब शुड के बाद आपको पता है बी1 आता है हमेशा, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी का वर्क कर रही है, तो बी1 दिया जाता है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म रखेंगे गो टू आवर, क्योंकि बी शुड लिखा है तो आवर ही रहेगा, स्कूल। अब ध्यान दीजिए, जब हमारा रिपोर्टिंग चाहे सब्जेक्ट हो सकता है चाहे ऑब्जेक्ट, अर्थात ही और मी, इसे समझिए आप, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है और मी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, इनमें से अगर कोई भी फर्स्ट पर्सन दिया है, मतलब जनरल आइडिया बता रहा हूँ आपको, अगर फर्स्ट पर्सन दिया है, यहाँ मान लीजिए आई दिया हो और यहाँ अस दिया हो, यहाँ मान लीजिए बी दिया हो और यहाँ मी दिया हो, अर्थात फर्स्ट पर्सन आई और वी मी और अस, क्योंकि चार शब्दों को लिख दीजिए, आई बी अस और मी। अगर इन चार शब्दों में से रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ दिया होता, चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर, भाई ऑब्जेक्टिव केस कौन से, ये ऑब्जेक्टिव केस हैं, ये सब्जेक्टिव केस हैं, या तो इनमें से या इनमें से कहीं भी चारों वर्ड्स में से अगर एक भी वर्ड रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ आपको मिल जाता है, तो सबसे बेस्ट बदलने का तरीका होगा कि हमें क्या करना है डियर गाइस, लेट्स को बी शुड में बदल देना है, समझना है, लेट्स को बी शुड में बदल देना है। और अगर इन चारों शब्द में से कोई नहीं है रिपोर्टिंग स्पीच की तरफ, तो हमें लेट्स को दे शुड में बदल देना है। ओके, ये समझ में आ गया होगा। तो यहां पर क्या दिया, देखिए मी दिया है, तो हमने लेट्स को बदल दिया, बी शुड में बदल दिया, ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, देखते हैं, आराम से समझ से चलिए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सी सेड टू हिम लेट्स सिंग ए सॉन्ग। देखिए यहां सेंटेंस दिया है, सी सेड टू हिम लेट्स सिंग ए सॉन्ग। तो देखिए लेट्स से शुरू हुआ, लेट्स या लेट्स से शुरू होने का मतलब है कि प्रस्ताव का भाव प्रकट हो रहा, सजेशन का भाव प्रकट हो रहा, प्रपोज का भाव, एक प्रपोज दिया जा रहा, प्रस्ताव किया जा रहा, तो ऐसे स्थिति में हम सेड कसम बदलेंगे, प्रपोज में बदल दीजिए या सजेस्टेड में बदल दीजिए। तो हमने ये प्रपोज में बदला था, इसको सजेस्टेड में बदल के दिखा रहे हैं, सी सजेस्टेड। टू को क्या करेंगे, नहीं हटाएंगे, अब तक हम हटाते रहते क्योंकि प्रपोज और सजेस्ट अगर यूज कर रहे हैं आप, और इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, तो
टू को हम नहीं हटाएंगे अर्थात प्रीपोजिशन टू का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो टू हिम, कॉमा कॉमा स्थान पर हम लगाते थे दैट। अब देखिए लेटर्स को किसम बदलेंगे, बताइए लेटर्स को यहाँ पर दे शुड में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो सब्जेक्ट और ना ही ऑब्जेक्ट, इनमें से कोई भी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम दे शुड में बदल देंगे, दे शुड। शुड के बाद तो बी वन आता है बार की फर्स्ट फॉर्म, सिंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच तरफ कोई भी दिया होता है तो हम बी शुड में बदलेंगे, अन्यथा हम दे शुड में बदल देंगे। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी का हम दूसरा पार्ट ले सकते हैं, अब ऐसी स्थिति में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है और उससे किसका बोध हो, विश का बोध हो, कामना का बोध हो, और लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को या से को विश में बदल देंगे, से को विशेष में बदल देंगे और सेड को विश्ड में बदल देंगे। जैसे ही सैड लेट मी ऐसे सेंटेंस को देखिए, ही सेड लेट मी ईट मैंगोज। अब हमने दिया था लेट वाले या पार्ट बी मानी, चलिए इसी में थोड़े टुकड़ों से समझिए, पार्ट बी कर लेते हैं। तो लेट के बाद अस नहीं दिया होगा और मोस्टली क्या होगा, एक और आइडिया बताएं, लेट के बाद मी दिया होगा, क्या दिया होगा, मी दिया होगा और ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, मतलब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाए और लेट मी से सेंटेंस स्टार्ट हो, ये आप समझिए रूल्स के अकॉर्डिंग मानते हैं। तो हम सेड को विस में बदल देते हैं क्योंकि कामना की जा रही है, ही सेड उसने कहा लेट मी ईट मैंगोज, मुझे मैंगोज खाने चाहिए, मेरे मैंगो खाने की इच्छा हो रही है, मैं कामना कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, भाई सजेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसे बदलेंगे इनडायरेक्ट, ही विश्ड, फिर दैट से बना दीजिए दैट। अब लेट मी को, मी का मतलब कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो इसका नॉमिनेटिव केस यूज होता है यहां पर, ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर क्या लगाएंगे हम, नॉमिनेटिव, तो इसका ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही should eat mangoes। ये समझ में आपके आ गया होगा, मतलब कॉमाट कॉम हटा के दैट लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव किस के स्थान पर नॉमिनेटिव किस का प्रयोग करेंगे और should के बाद बी वन का प्रयोग करेंगे जैसे पीछे हमने किया था। ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, लेट मी प्ले हॉकी। देखिए सेंटेंस यह है, सी सेज लेट मी प्ले हॉकी। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेट मी दिया है तो इससे कामना का बोध हो रहा है, विश का बोध हो रहा है, इच्छा जाहिर की है यहाँ, सजेशन नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, तो क्या करेंगे, सी
से जो कुछ हम बदलेंगे विशेष में, क्योंकि प्रेजेंट में दिया है तो प्रेजेंट में ही हम रिपोर्टिंग वर्ब को रखेंगे। डियर गाइस डेट लगाएंगे, फिर क्या करेंगे लेट को हटा देंगे, तो मी दिया है ऑब्जेक्टिव केस है, इसके सी के अनुसार सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। और फिर सुट लगा देंगे, बी वन इसमें है ही है, प्ले हॉकी। इस तरह से हम सेंटेंस को आराम से बदल सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा सजेशन का भाव प्रकट किया जाए लेटर से शुरू होने वाले, अन्यथा पार्ट बी भी हमने शामिल कर लिया इसमें, किससे शुरू होने वाले लेट मी से शुरू होने वाले, और मोस्टली जब विश की का भाव प्रकट हो अर्थात इच्छा या डिजायर का भाव प्रकट हो। यहाँ लिख भी सकते हैं विश या डिजायर, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।